हेलो दोस्तों, टेक न्यूज के एक नए कमाल एपिसोड के साथ में आपके सामने फिर से हाजिर है, जिसमें कि देश और दुनिया की ढेर सारी टेक न्यूज पर बात करेंगे। तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। वेलकम बैक दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, लेकिन हर बार की तरह सबसे पहले आते हैं अपने पोल सेगमेंट में। आज का सवाल है पोल में, आपको बताना है कि कोई भी जो आप ईमेल सर्विस यूज करते हैं, क्या उसका आपने कभी पेड वर्जन यूज किया है। ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जवाब आप दे सकते हैं। और शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर, जो कि जीमेल से आ रही है। दोस्तों, गूगल ने जीमेल के अंदर एक नया फीचर हम लोगों के लिए दे दिया है, जिसमें कि आप गूगल चैट जो ऑप्शन होता है उसमें किसी से भी अगर आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो उसको अब आप पिन कर सकते हैं। जब आप जीमेल का यूज़ कर रहे हैं तो आपको साइड में दिखाई देते होंगे कुछ आपके जो ईमेल आईडी जो यूज़ करते हैं चैटिंग का, तो वो नाम आपको दिखाई देते रहते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन सब कुछ आपको शो होता है। अगर उसमें से किसी के साथ भी आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, यानी कि चैट कर रहे हैं, तो उसकी कन्वर्सेशन को आप पिन कर सकते हैं जीमेल यूज़ करते समय, जिससे कि आपको पता रहेगा कि जो भी आपको मैसेज आ रहे हैं वो आपके डिस्प्ले पर सबसे ऊपर आपको शो होते रहेंगे। तो एक कमाल का फीचर है जो कि आपको बेहद पसंद आएगा। इसके बाद अगली खबर है सैमसंग के फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन S20 प्लस का BTS एडिशन, उसके 10,000 रुपए प्राइस इंडिया में कम हो गए हैं। फिलहाल अभी 10,000 रुपए की छूट के साथ में 79,999 में आपको ये स्मार्टफोन मिल जाएगा। वैसे आपको बता दूं कि इसमें सैमसंग का अपना Exynos 990 प्रोसेसर है, 8GB की RAM, 128GB का है इंटरनल स्टोरेज और 4,500 mAh की है इस फोन में बैटरी। इसके बाद अगली खबर है दोस्तों, शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने जून में कर दी थी इंडिया में बैन, लेकिन एक बार फिर से इसके कमबैक को लेकर दोस्तों रिपोर्ट सामने आना शुरू हो गई है। दरअसल इसके जो इंडियन हेड हैं निखिल, उन्होंने कुछ अपने एम्प्लॉयज को लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी के बारे में मेल्स या मैसेज वगैरह किए हैं, जिससे कि ये गर्माहट मार्केट में खबर को लेकर चल रही है कि शायद पबजी मोबाइल की तरह ये भी अब वापसी करने वाली है। लेकिन जब तक कि इसकी बीट डांस जो कि पेरेंट कंपनी है उससे इसका नाता नहीं हटता है, तब तक इंडिया में इसकी वापसी होना दोस्तों मुश्किल। बाकी देखते हैं दोस्तों आने वाले दिनों में कंपनी क्या डिसाइड करती है। इसके बाद अगली खबर है दोस्तों, गूगल के आने वाले फ्यूचर पिक्सल स्मार्टफोन्स को लेके अभी से दोस्तों गूगल ने खुलासा कर दिया है कि आने वाले जितने भी पिक्सल स्मार्टफोन होंगे उसमें यूजर्स को अनलिमिटेड फोटो स्टोरेज का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि 2021 में जो गूगल फोटोज है वहां पर स्टोरेज को लेकर कुछ चेंजेस करने जा रहा है गूगल, जिसमें कि कुछ पेड सर्विसेज को भी ऐड किया जाएगा। तो हाई क्वालिटी जो इमेजेस हैं उनका अनलिमिटेड जो स्टोरेज अब तक मिलता था वो शायद इफेक्ट हो सकता है, जिससे कि आने वाले पिक्सल फोन्स के यूजर्स को दोस्तों इसमें कुछ नुकसान और फायदा पेड में मिल सकता है। बाकी दोस्तों देखते हैं कि एग्जैक्ट क्या क्या कंपनी करने जा रही है इसमें चेंज। इसके बाद अगली खबर है दोस्तों, ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप डिज्नी प्लस हॉटस्टार के इंडिया में पेड सब्सक्राइबर 8.5 मिलियन से ज्यादा हो गए हैं कंप्लीट। वैसे IPL जब से शुरू हुआ है तब से इसके सब्सक्राइबर्स में दोस्तों उछाल देखा गया है। पहले तो इसके 8.5 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर हुआ करते थे, और ये आंकड़ा बढ़ने के बाद जो इसकी पेरेंट कंपनी है डिज्नी प्लस, उसके जो पेड सब्सक्राइबर हैं ग्लोबली उसमें बहुत बड़ा उछाल आया है। टोटल मिला के 75 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स के हो गए हैं। इसके बाद अगली खबर है दोस्तों, फेसबुक लगातार कुछ ना कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स यूजर्स के लिए लेके आ रहा है। इसी के तहत एक नया फीचर मैसेंजर पर लेके आया, ये है वैनिश मोड। अगर आप इस मोड का करते हैं यूज तो आपके मैसेजेस जो आप सेंड करते हैं किसी भी यूजर के लिए, वो आपके मैसेज जब देख लेगा उसके बाद वो ऑटोमेटिक डिसअपीयर हो जाएंगे, यानी कि आपका मैसेंजर बॉक्स बहुत ज्यादा मैसेजेस के साथ में भरा भरा नहीं दिखेगा, यानी कि जैसे ही मैसेज किसी ने पढ़ा तो वो मैसेज ऑटोमेटिक डिसअपीयर हो जाएगा इस वैनिश मोड में। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी वेनिस मोड लेके आ गया है, और शॉप मोड के लिए डेडिकेटेड बटन्स वगैरह भी फेसबुक ने मैसेंजर पर ऐड कर दिए हैं। इसके बाद अगली खबर है दोस्तों, सोनी PS4 का ओरिजिनल गेम घोस्ट ऑफ सुशीमा, जो कि बन गया है PS4 का फास्टेस्ट सेलिंग गेम। ये 17 जुलाई को इसी साल लॉन्च किया गया था, तब से लेके अब तक इसकी 5 मिलियन से ज्यादा कॉपीज दोस्तों सोल्ड हो चुके हैं, यानी कि लोगों के बीच में इसकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है। बाकी देखते हैं दोस्तों और कब तक इसको लोग पसंद करते हैं और कब तक ये बिकता है। और लास्ट में खबर है दोस्तों, सैमसंग के फ्लैगशिप चिपसेट Exynos 1808 को लेके दोस्तों, जो कि 5nm मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर बनाया गया है, 5G कनेक्टिविटी के साथ में आ रहा है, जो कि डिस्प्ले में 144Hz के रिफ्रेश रेट तक को करेगा सपोर्ट। उसके अलावा LPDDR5X और 4X दोनों ही कैटेगरी की रैम को भी ये सपोर्ट करेगा। जो स्टोरेज की अगर बात करें तो 3.1 को करेगा सपोर्ट। उसके अलावा कैमरे को लेके भी दोस्तों इस चिपसेट में बहुत ही बड़ा काम किया गया है। 200 मेगापिक्सल का अगर कैमरा सेंसर भी मिलता है तो उसको भी ये बड़े ही आसानी से दोस्तों सपोर्ट करेगा। अब कौन-कौन से स्मार्टफोन आते हैं अगले साल, यानी कि 2022
2021 में या फिर 2000 में ही दिसंबर में कोई फोन आता है इस चिपसेट के साथ में। दोस्तों इंतजार करते हैं। वैसे दो जो सैमसंग का S21 आने वाला है उसको लेके तो खबर है कि उसमें हमें ये देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कंपनी है दोस्तों कभी भी कुछ चेंज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों फिलहाल आज के एपिसोड में तो इतना ही, और भी ढेर सारी टेक न्यूज अपडेट्स ऑफर सब कुछ आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल आते हैं दोस्तों फटाफट से आज के गिव वाले सवाल पर। आपको बताना है कि घोस्ट ऑफ सुशीमा की कितनी कॉपीज ऑलरेडी अब तक सोल्ड हो चुके हैं PS4 पर। दोस्तों जवाब देना फटाफट अपना कमेंट पे शुरू कर दीजिए। बाकी वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। बाकी दोस्तों तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।